हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे एम आर रेडमी 10 प्राइम में और ओप्पो A74 5G में, और देखते हैं कि दोनों में से बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से, तो दोनों की सेम है 6.5 इंच की, और दोनों फ़ोनों का रेजुलेशन 1080x2400 पिक्सल, और दोनों ही फ़ोनों में आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, और दोनों ही फ़ोनों में आपको 19 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। दोनों ही फ़ोनों में आपको पंच होल कैमरा भी मिल जाता है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो MI का है MateA का G88 का, और CPU 2.0 GHz ऑक्टा कोर का, 12 नैनोमीटर्स का FinFET, और ओप्पो का जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 480 5G का, और CPU 2.0 GHz ऑक्टा कोर का, और 8 नैनोमीटर्स का FinFET, और GPU 619 का। बात करते हैं बैक कैमरे की, तो MI का है क्वाड में, जो मेन कैमरा है 50 पिक्सल का, फिर 8 का, फिर 2 का, फिर 2 का। ओप्पो का है ट्रिपल, जो मेन है 48 का। दोनों का फ्रंट कैमरा सेम है 8 का। बात की जाए बैटरी की, तो MI में है 6000 mAh की, ओप्पो में है 5000 mAh की, और दोनों फ़ोन की बैटरी लाइफ नॉर्मल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते, और दोनों में चार्जर सेम है 18 वाट का। दोनों में टाइप्स का सपोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी मिल जाता है, और आपको दोनों ही फ़ोनों में ट्रिपल सिम मिलती है, यानी कि 2 सिम और SD कार्ड डाल सकते हो। दोनों की है वारंटी 1 साल की। दोनों में आपको फ्रंट में ग्लास मिलता है, और MI में रैम है 4 GB और 6 GB की, ओप्पो में है 6 GB की, और MI की मेमोरी है 64 GB 128 GB की, ओप्पो में है 128 GB की, और दोनों ही फ़ोनों में आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है। बात कर लेते हैं प्राइस की, तो MI का है स्टार्टिंग 12,499 रुपये, और ओप्पो का है स्टार्टिंग 17,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।